हम कभी अलग नहीं हुए थे, तुम हमेशा मेरे दिमाग में थे, तुम मेरे अकेलेपन के साथ ही थे। मैंने सिर्फ एक ही चीज खोई थी और वो है शांति, जो मुझे तुम्हारी बाहों में मिलती है, जो मैंने दोबारा से हासिल कर ली। शुक्र है ऊपर वाले का, तुम मेरी जिंदगी में एक आशा की किरण जैसे हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। सिर्फ इतना ही, मैंने तुम्हारी पोएम पढ़ी, उसमें लिखा था कि कुछ लोग आई लव यू कहते हैं क्योंकि उन्हें वो शब्द याद हो गए हैं, पर कुछ लोग इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो सच में प्यार करते हैं। मैं हमेशा चुप रही क्योंकि मैं सच में क्यों दाई माँ, क्यों आपने हमें अलग रहने के लिए क्यों कहा? जब तुम पास नहीं होती हो तो मेरा एक भी पल नहीं कटता। मैं यहां बैठे बैठे इंतजार नहीं करूंगा। दाई माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझसे रेहान को दूर ले गई, मुझे उससे मिलने का रास्ता निकालना होगा। हाँ, उससे मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। सही है, मैं उससे मिलने का मौका नहीं छोड़ने वाला। मैं जरूर मिलूंगा। तो जा वेदांत अरुण, खाना मुंह में भर के खा सकते हैं पर बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए। तुम शायद उस गंवार को घर से भेजने वाली थी ना? बहुत अच्छे, कामयाब हो गई। और अब जाकर शादी के लिए उसका हाथ भी मांगना होगा। ये मेरी कैसी परीक्षा हो रही है। अब जाकर उस दाई माँ से शादी के लिए उसका हाथ मांगना है। पर इंपॉर्टेंट बात तो इस वक्त दूसरी है। फुट चैमरी, अगर उसने सब कुछ बता दिया तो मैं क्या, मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए? अगर वो होश में आए तो पहले मुझे उससे बात करनी चाहिए।
हो सकता है वो मेरी बात सुन ले। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे पूछ लूँ, कोई चीज की जरूरत तो नहीं? अगर दाई माँ ने देख लिया तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। क्या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? क्या मेरे यहाँ आने पे पाबंदी है? और वैसे भी मैं यहाँ मेहमान हूँ, मुझे अंदर आकर कॉफी पीनी है। मैं यहाँ किसी वजह से आया हूँ। और वो क्या है? अंदर चल के बताता हूँ। मैंने कहा ना नहीं, अभी यही बताओ। तुम घर पर कुछ भूल गई थी। क्या भूल गई थी? कुछ बहुत जरूरी चीज भूल गई हो। तुम्हारा टूथब्रश। थैंक यू सो मच। अब इससे पहले दाइमा देख ले तुम यहां से चले जाओ प्लीज। तुम्हारा है ब्रश भी? देखो दाइमा तुमसे बहुत नाराज हो जाएगी। तुम सच में चाहती हो मैं चला जाऊं? प्लीज। ठीक है मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, तुम्हें मुझे एक किस करना होगा। आ, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं नहीं जा रहा। देखो कोई हमें देख लेगा। एक किस ही तो है, कोई नहीं देखेगा। मैंने देख लिया है। रेहान तुम अंदर चलो बेटा चलो, आज उसका पहला दिन है और तुम मिलने चले आए। वो अपना टूथब्रश भूल गई थी, हेयर ब्रश और हेयर क्लिप भी। मेरे घर में एक लड़की रह रही है, पड़ोसी बातें करेंगे, तुम समझ रहे हो? हाँ मैं समझ गया। और मुझे बहुत भूख लगी है दाइमा, क्या मैं डिनर के लिए रुक सकता हूँ? नुक्कड़ पर एक कबाब रेस्टोरेंट है, तुम्हें पसंद है ना, जाओ वहाँ जाकर खा लो। और हाँ ये कचरा भी फेंक देना। अरे बहाने पता है मुझे, बहाने बाज। रेहान से मिलना है कह रहा था, डिनर तक रुकना चाहता था। बहुत शरारती है वो, मुझे पता है वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, उसे तुम्हारी कीमत समझने दो बेटा। यही उसके लिए सबक है, तुम्हें मिलने के कितने बहाने बना रहा है, अब पता चला उसे। मैंने चाय बनाई है। शुक्रिया बेटा, ले आओ। मैं तुम्हारी शादी के लिए आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। हम दोनों साथ में रहेंगे एक परिवार की तरह। चाय बहुत अच्छी बनी होगी क्योंकि तुमने जो बनाई है कितनी अच्छी खुशबू है। ऊपर वाला तुम्हें हर मुसीबत से बचाए मेरी बच्ची, हमेशा खुशियां दे। आमीन। मैंने डिजर्ट भी बनाया है। खिड़की के पास आओ, दूर से ही सही तुम्हें देख तो पाऊंगा। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत मिस कर रहा हूं।
मैं नहीं आ सकती। तुमने सुना ना दाई माँ ने क्या कहा, दरवाजे पर इंतजार मत करो, अब जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारी आंखों के सिवा जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान से बेटा, चाय बहुत गर्म है। चैम्बरे, जरा देखो खुद को, तुम तो एक लाश बन गई हो। तुम अपने पागलपन की वजह से यहां पर हो। एमिर को तुम्हारे पागलपन का रीजन पता चल गया है और अब वो उस रेहान से शादी करने वाला है। परेशान मत हो, मैं मिशन आ रही हूँ। जो मेरी माँ नहीं कर पाई वो मैं करूंगी। एमिर को सब पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि तुमने उसके खिलाफ क्या चाल चली है, सब पता चलेगा उसे। तुम मेरे बेटे को सब कुछ बताने वाली थी है ना? मैंने तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम मेरी बहू बन सको, पर तुम हो कि मेरे ही खिलाफ जा रही थी। तुम्हें इसका दुख होगा जितने समय तक तुम सोती रहोगी। तुम ऐसे ही सोती रहो, यही सबके लिए अच्छा है। नहीं, मैंने अभी तक वो नहीं लगाया। क्यों? अरे मुझे मौका ही नहीं मिला। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? एक मिनट भी नहीं मिला तुम्हें? मैंने चाय बनाई है, तुम पियोगी? मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? सुनो, मेरा नाम तलाज है। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए तुम्हें। मैंने तुमसे कहा ना, मैं कुछ करती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं यही रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मुश्किल रास्ता तो पार कर लिया है। मिस्टर कैमिल को लगता है कि मेरे घर पर चोर ने चोरी की है और मैं डर गई हूँ। क्यों नहीं जा रहे हो? बाहर आ जाओ। बिल्कुल नहीं, दाई माँ सुन लेगी। दाई माँ सुन लेंगी? ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला,
मैं कल सुबह तक यहीं रहूंगा। हाँ ठंड है पर क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा मैं बीमार पड़ूंगा बस, वही ना चलेगा। सारे पड़ोसी बाहर आ जाएंगे और फिर दाई माँ को मुझे अंदर लेना ही होगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो मैं यहीं पर वेट कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है रुको मैं आ रही हूँ। मैंने कहा था जब तक किस नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। कोई किस नहीं, मैं तो इसीलिए बाहर आई हूँ ताकि तुम और आवाज ना करो और दाई माँ ना सुने। ऐसा लग रहा है तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। तुम्हें दाई माँ के नियम मानने चाहिए। और तुम्हारा क्या, क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं उनके नियम का पालन करूं? हाँ देखो अगर ऐसा है तो मैं चला जाऊंगा, कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम चले जाओ, मुझे जाना है प्लीज। मुझे नहीं मना पाए। मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखों पर यकीन है और तुम्हारी आंखें कह रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी आंखें ये कह रही है कि मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए। क्या तुम्हारे गाल लाल हो गए हैं क्या? रेहान, रेहान कहाँ हो? अब तुम चले जाओ, दाई माँ को तुम्हें नहीं देखना चाहिए, जाओ जाओ। दाई माँ मैं अभी अभी आया, मैं बस तुम क्या कर रहे हो बेटा, मना करने के बावजूद आ जाते हो, ये गलत बात है बेटा, थोड़ा इंतजार करना होगा, अगर नहीं होता तो जल्दी तैयारियां करो और शादी करके इसे यहाँ से ले जाओ, समझ रहे हो? अब जल्दी से रेहान का हाथ मांगने आ जाओ। ठीक है मैं घर पहुँचते ही बात कर लूंगा, हम कल ही आ जाएंगे या फिर परसों आ जाऊंगा मैं, जल्द से जल्द। ठीक है और तब तक तुम यहाँ मत आना, समझ रहे हो मेरी बात, चलो जाओ अब। अगर आप कहें तो मैं इससे प्राइवेटली गुड बाय कह सकता हूँ प्लीज, सिर्फ दो मिनट। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी तुम काफी देर से यहाँ हो, शादी से पहले नहीं मिल सकते, चलो बेटा अंदर चलते हैं। तुम्हारी एक किस पेंडिंग है, भूलना मत। मुझे पता है कि अब सब कुछ बदल गया है, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी पर अब देखो मुझे डर है कि तुम्हें कहीं होश ना आ जाए। डॉक्टर मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, कैसी है ये, इसे होश कब तक आ जाएगा? बदनसीबी से इसकी उम्मीद बहुत कम है कि इसको होश आएगा, आपको हर तरह से तैयार रहना होगा। अगर तुम मुठ गई तो मेरे बारे में सब कुछ बता दोगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगी जमरे, फिर उस लड़की को ठिकाने नहीं लगा पाऊंगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। Thank you.
मिस्टर कैमल को लगता है मेरे घर पे चोर ने चोरी की है और मैं डर गई हूँ। उसने हमसे झूठ बोला, पर किस लिए? वो आखिर यहाँ क्यों रहना चाहती है? केमाल को ये बात पता होनी चाहिए। उसे उस तरह देखना बंद करो, वो एक शादीशुदा आदमी है। उसने ऐसा केमल के करीब रहने के लिए कहा, वो केमल से प्यार करती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने सिर्फ कागज पर साइन किया है, मैं उसकी पत्नी नहीं हूं और वो भी मेरा पति नहीं। शुक्रिया 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 मेरी बच्ची, ये कितनी प्यारी है और गुणवान है। सच में इसने बिल्कुल सभ्य तरीके से कॉफी बना दी। जितना प्यारा चेहरा है उतना ही अच्छा इसका दिल है। बेटी, ओ बेटी, बेटी मैं तुम्हें बता रही हूँ, कॉफी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है, जैसे मुझे पसंद है, एकदम वैसी। Bon appetit. जैसा कि मैंने कहा, फहरी ने अपना तीसरा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया है। शुक्र है ऊपर वाले का कि इतना अच्छा कमा रहा है। फहरी काफी मेहनती बच्चा है, वो इस सब का हकदार है, ऊपर वाला उसे सब कुछ दे। मैं उसके बारे में अच्छी बातें बता रही हूँ, पर इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है। वो सच में काफी मेहनती है और आदर्शवादी भी है, और वो कोई हीरे से कम नहीं है। सच कहूँ तो हमें उसके लिए एक गुणवान लड़की मिल जाए। बिल्कुल, वो शादी के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है वो जल्दी घर बसा लेगा, देखना। मुझे भी यही उम्मीद है आतिस आंटी, यही है। मैंने रियल एस्टेट से बात कर ली है, उन्होंने मुझे कुछ घरों की फोटोज भेजी हैं, उनमें से मुझे अभी तक कोई कुछ खास पसंद नहीं आया। तुम अकेली रहती हो तो जब तक तुम्हें सेफ घर ना मिले तब तक तुम ढूंढती रहो। अगर तुम एजेंट को बता दो कि तुम्हें किस तरह का घर चाहिए तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। देखो तो इसे, इसने मुझे देखा तो चेहरा बना लिया। इसे मेरे यहाँ होने से भी परेशानी है, लगता है इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फाइनली, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। क्या?
क्या बात है बेटा? दाई माँ ने कहा हमें और देर नहीं करनी चाहिए, क्या हम फ्राइडे जा सकते हैं प्लीज? हाँ जरूर हम जा सकते हैं बेटा फ्राइडे, पर फ्राइडे तो आने ही वाला है, हमें तैयारियां भी करनी है, हम वहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते। हम तैयारी कर लेंगे, हम फ्राइडे ही जा रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। मैं वहां जाकर उस गवार लड़की का हाथ मांगूंगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचना होगा। हाँ। शायद मैं सबको रोक नहीं सकती, पर ऐसा कुछ करूंगी कि तुम भी शांति से नहीं रह पाओगी। हाँ वकील साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सुल्तान पहले तो कभी इतनी देर तक नहीं रुकी। अरे कॉफी पीती थी, थोड़ी बातचीत करके चली जाती थी यहाँ से। जब भी आती थी आते ही जाने की बात करती थी, पर आज तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी देर बैठी रही, बातें करती रही। अच्छा बेटा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी आराम करो। ठीक है, मैं इसे जाकर किचन में लेती हूँ। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि ये जिसकी भी आवाज है वो मेरे पास आकर रहे, क्योंकि क्योंकि मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। प्यारे से गाल लाल हो गया ना, तुमने जरूर अपनी आंखें फेर लिया, am I right? और शायद अपना चेहरा भी नीचे किया। तुम चुप क्यों? वो मुझे ऐसा लगा कि दाई माँ ने मुझे आवाज लगाई, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। वैसे हम फ्राइडे को वहां आ रहे हैं तुम्हारा हाथ मांगने। फ्राइडे को? लेकिन ये तो बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी? तुम्हें नहीं लगता हमने काफी देर अलग रह लिया है? मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे साथ वापस रहना चाहता हूँ। बाय द वे, बोलना मत। क्या? तुम्हारी किस? अब बस भी करो। ठीक है, मैं ये सब नहीं बोलूंगा, पर जो है वो तो है ही। बाद में मिलते हैं डार्लिंग। सी यू। फ्राइडे को? लेकिन ये तो बहुत जल्दी है। उसकी तरफ इस तरह से देखती है जैसे लैला मजनू की तरफ। वो शादीशुदा आदमी है, उसे शर्म भी नहीं आती, और ऊपर से उसने हमसे झूठ कहा। हाँ बोलो रेहान। नारिन तुम्हारी आवाज ऐसी कब से हो गई, क्या मुझे अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? हाँ मेरे पास एक अच्छी खबर है। हाँ तो अब बता भी दो। फ्राइडे को वो मेरे बारे में दाई माँ से बात करने आ रहे हैं। रुको रुको अभी मत बताओ, फोन पर मत बताओ, मैं बस अभी वहाँ आती हूँ, हम सामने से बात करते हैं साथ में बैठकर। ठीक है मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। यहाँ रोमांटिक फिल्म देखने से तो अच्छा है अपनी दोस्त के साथ जाकर बैठूं।
चलो जाने दो, उम्मीद है तुम्हें इन सबसे दोबारा नहीं गुजरना होगा। हाँ मुझे भी यही लगता है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। चलो छोड़ो उसे, छोड़ो। ये बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है, सब ठीक है ना? मेरा क्या है, मेरी बातें छोड़ो, तो बताओ उसने तुम्हें पकड़ लिया? वो जाविदान की बच्ची ने? नारिन ऐसे बात मत करो। बस करो रेहान, मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, वो है ही चुड़ैल। मैं तो उसे इसी नाम से बुलाऊंगी, वो है ही इन्हीं शब्दों के लायक। चलो छोड़ो, तुम बताओ कि मैं उसे ऐसा क्यों ना कहूँ? आखिरकार वो उसकी माँ है। ओ तो तुम अपने लवर को परेशान नहीं करना चाहती? माफ करना रेहान, उसका बेटा अच्छा इंसान है पर वो ऐसी बिल्कुल नहीं। रेहान तुम्हारी सास ना बिल्कुल, मैं ये बोल भी नहीं सकती। चलो ये छोड़ो, बहुत हुआ। अब ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं ठीक ही हूँ, सब अच्छा चल रहा है। और हमेशा ठीक ही रहना मेरी दोस्त, हमेशा ठीक रहना। हाँ पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा महसूस कैसे होगा। ठीक है फिर इसी बात पर चाय पिलाओ। शादी का हाथ मांगने के लिए मिठाई और फूल लेकर आने होते हैं, और रेहान के लिए अलग से कुछ चीजें लानी होती हैं। क्या ये सब करना जरूरी है दाइमा? वो दोनों दूसरी बार शादी कर रहे हैं, ये सब तो पुरानी परंपरा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब करना इस बार जरूरी है। मैं भी तो पुरानी हूँ जाविदान। जब तक मैं रेहान का ख्याल रख रही हूँ, मैं चाहती हूँ सब मेरे मुताबिक हो, वरना मैं किसी चीज की मंजूरी नहीं दूंगी। और वैसे भी एमिर भी यही चाहता है। पहले जब उनकी शादी हुई थी तो ये सारी की सारी रस्में नहीं हुई थी। ठीक है अगर आप यही चाहती हैं तो मैं तुम्हें चॉकलेट और फूल लाकर देती हूँ। एक बार उस आदमी का फोन आ जाए बस। अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देती ना तो मैं उस जेमरे को अच्छा सबक सिखाती। बहुत बड़ी मॉन्स्टर है वो। नहीं प्लीज ये बातें मत करो, तुम्हें पता है ना कि जेमरे ने सिर्फ खतरा मोल लिया, और तुम्हें पता है ना कि आखिर में उसने क्या किया। हाँ तुम सही कह रही हो, अब जब उसने खुद की जान दांव पर लगा दी है तो वो कुछ भी कर सकती है। खुद को कार के आगे खड़ा करना कितना बड़ा पागलपन है। हालांकि अगर मुझे पता होता तो मैं सच में उसे अच्छे से समझा देती। चलो छोड़ो जाने दो, तुमने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी रेहान, हर बुरी स्थिति में आशा की किरण होती है। शायद ऐसा हो नहीं था, ऊपर वाले ने जानबूझकर ऐसा किया, तुम्हारी जुबान बांध दी, उन सब से तुम्हें छुटकारा मिला। नारिन क्या ये नारिन नारिन, वो जो चाहे कर सकता है, तुम इतना बोल भी नहीं सकती। देखो ऐसा ठीक नहीं है। हाँ चलो अब शर्माओ मत, पढ़ो इसे। तुम एक्साइटेड हो? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, हमें जल्द से जल्द कर्ज का फैसला करना होगा। मिलते हैं जल्दी अमिर, बाय, टेक केयर, बाय।
सच में दाई माँ से अमीर की शादी के लिए रेहान का हाथ मांगने जा रहे हैं। हाँ मैं ये बात जानती हूँ, वो लोग फ्राइडे को जाने वाले हैं। लगता है जावेदान ने अपने लिए सब कुछ और मुश्किल कर लिया है। वो बोल रहे अभी तक शादी शुदा नहीं है तो एक दूसरे के करीब भी नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें अभी रोकना होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। मुझे यकीन है वो पछतावे के मारे अपनी छाती पीट रही होगी। मैं ये सब मिस नहीं कर सकती, मैं कल ही जावेदान का चेहरा देखने के लिए मेंशन जा रही हूँ। बाकी सब कहाँ गए? भाई मसल को सुलाने गए हैं, वो भी पूछ की तरह गई होगी। तुम्हारे बालों में से अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे शुक्रिया शुक्रिया मुझे तुम्हें ड्रेस पहनाने देने के लिए। नारिन कहाँ है? लगता है तुम्हें बहुत नींद आ रही है। तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी देर वहां रुकोगी, मुझे लगा तुम घर जल्दी आ जाओगी। हम बातों में खो गए, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। पर मैं मसल को गुड नाइट कहने के लिए घर आ गई। ये देखो मसल, इनमें से कौन सी सुनाऊं? ये वाली या ये वाली? क्या आप मुझे कल वाली कहानी पढ़कर सुनाएंगी? और फिर तुम सो जाना। गुड नाइट मसल। आ जाओ मसल बेटा, चलो शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, दो हाथी जंगल की तरफ जा रहे थे, फिर उन्हें एक बड़ा सा शेर मिला। फिर उसने कहा कि मैं सबसे बड़े वाले हाथी को खा जाऊंगा। जैसे ही हाथी ने ये बात सुनी, चलो दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? क्या हुआ, उसने मुझे फिर से मैसेज क्यों नहीं किया? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे बात बदल देनी चाहिए? ठीक है ठीक है, मैं जानता हूं तुमने मुझे मिस किया। पागल। चलो अब अपनी आंखें बंद करो और हमारे लिए एक विश मांगो। हाँ पर मुझे बताना कि तुम क्या मांग रही हो। मैं कर सकती हूँ। मैं मांगती हूँ कि मैं अभी उसकी आवाज सुन पाऊँ। नहीं, कुछ और मांगा मैंने।
जाग रहे हो क्या? ओ ये क्या, वो तो सो भी गया। Kırılır kaşlar, ferman yazdırır. Bu aşk gidiyor, diyar gezdirir. Lokman iki gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Lokman kim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar geçerim. Nazlı yâri kaybetsin, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar geçerim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. Nazlı yârin hayali karşımda durur. I hope तुम्हारी वश पूरी हो गई।